इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का छठा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 3 अप्रैल को खेला जाएगा। इस मुकाबले में एक बार फिर से कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल आमने सामने होंगे। सीएसके अपना पहला मुकाबला हारने के बाद अपने घर में पहली जीत तलाशना चाहेगी, तो दूसरी तरफ एलएसजी जीत के रथ पर सवार रहना चाहेगी, जिस कारण मैच को रोमांचक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस वीडियो में हम संभावित प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट और किस टीम का पलड़ा भारी है जानेंगे। पहले बात करेंगे हेड टू हेड मुकाबले की। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक केवल एक मुकाबला खेला गया, जिसमें लखनऊ की टीम ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। अब हम मैच रिपोर्ट की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला चेपॉक स्टेडियम की पिच पर खेला जाएगा। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना चाहिए। चेपॉक स्टेडियम की पिच पहले के मुकाबले बहुत धीमी हो गई है, जिसके चलते पिच पर स्पिनरों को ज्यादा सहायता मिलेगी, जबकि स्पिनरों को अच्छी तरीके से खेलने वाले बल्लेबाज ज्यादा रन बनाएंगे। इस मैदान पर पहली पारी में 170 से 180 रन बनने की उम्मीद है। तो चलिए अब प्लेइंग 11 के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 देखेंगे। केएल राहुल, काइल मैरिस, ये दोनों खिलाड़ी हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर 3 पर दीपक हुड्डा, तो नंबर 4 पर मार्कस स्टोनिस, नंबर 5 कुणाल पांड्या, नंबर 6 विकेट कीपर निकोलस पूरन, नंबर 7 आयुष बदेनित, नंबर 8 मार्क वुड, नंबर 9 जयदेव उनाडकट, नंबर 10 आवेश खान, नंबर 11 रवि बिश्नोई। अब हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। यहाँ पे ओपनिंग में हमें ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविन कॉनवे, नंबर 3 पर मोहिन अली, तो नंबर 4 पर बेन स्टोक, नंबर 5 पर एक चेंज हो सकता है, अंबाइती राइडी की जगह यहाँ पर अजिंक्य रहाणे आ सकते हैं, नंबर 6 रविंद्र जडेजा, तो नंबर 7 खुद कप्तान एमएस धोनी होंगे, नंबर 8 मिचेल सेंटनर होंगे, तो नंबर 9 राजवर्धन हेगड़े होंगे, तो नंबर 10 दीपक चहर होंगे, तो नंबर 11 पर एक और चेंज हो सकता है, तुषार देश पांडे की जगह चेन्नई यहाँ पे सिमरजीत सिंह या फिर आकाश सिंह को मौका देने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।